ये हमने रिजॉल्व किया है कि सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में हम आने वाले संसद में एक चर्चा मांगेंगे कि द सरकारिया कमीशन हैज लेड डाउन द रोल ऑफ गवर्नर्स द स्कीम ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर द प्रेजेंट यूपीए गवर्नमेंट इज फ्लाउटिंग इट विथ इंप्यूनिटी. तो सरकारिया कमीशन के पूरी अनुशंसाओं के बारे में एक सम्यक सुविचारित और प्रभावी चर्चा संसद में हो, इसकी दिशा में हम बहुत प्रयास करेंगे. हमने एक और बात कही है कि आतंकवाद की आशंका देश में और चिंताजनक है, इसलिए आतंकवाद की लड़ाई में अपने प्रदेश में जितना सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो हम करेंगे बिना वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रभावित हुए. और इसके लिए केंद्र सरकार की पहल में जितना सहयोग करने की जरूरत होगी वो भी हम करेंगे. द बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैव रिजॉल्व टुडे दैट दे विल टेक ऑल एडिक्वेट स्टेप्स ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट इन द फाइट अगेंस्ट टेरर विदाउट बींग इन्फ्लुएंस्ड बाय वोट बैंक कंसिडरेशन एंड ऑल लेजिटिमेट कोऑपरेशन वुड बी रेंडर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इन द फाइट अगेंस्ट टेरर. एक उन्होंने एक ये भी इसमें एक निर्णय हुआ है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अपने मेकानिज्म को और अधिक प्रभावी करेंगे जिससे जनता की शिकायतों के समाधान का एक सशक्त माध्यम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी बने जहाँ जहाँ हमारा शासन है. मित्रों, इसकी प्रति आपको हम देंगे जो बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया है. आडवाणी जी का उद्बोधन था. आडवाणी जी ने अपने उद्बोधन में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि दो वी आर नॉट इन पावर इन द सेंटर बट वी कंट्रोल द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया. 9 प्रदेशों में हमारी सरकार है, 7 जगह हमारे स्वयं के मुख्यमंत्री हैं बड़े राज्यों में और 2 जगह हम अलायंस में गवर्नमेंट में हैं. देयरफॉर इवन दो वी आर नॉट इन पावर इन द सेंटर वी आर वेरी मच ए पार्टी ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया. हम शासन की भी पार्टी हैं. उन्होंने भाजपा के इतिहास की भी चर्चा की कि श्याम प्रसाद मुखर्जी जब 1952 के इलेक्शन में जीते थे तो बीजेपी के 4 एमपी थे जनसंघ के, फिर भी उन्होंने एक फ्रंट बनाया था, 21 लोगों का फ्रंट बना था जिसमें गणतंत्र परिषद थी, अकाली दल था एंड मिस्टर मुखर्जी वॉज द लीडर. और हमारे फाउंडर ने एक प्रिंसिपल दिया था, फॉर अपोजिशन टू ग्रो इन इंडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कांग्रेस मस्ट बी वीकेंड डेमोक्रेटिकली, और उस परंपरा को हम आगे बढ़ाते आए. बाकी उन्होंने 70s की चर्चा की, इमरजेंसी की चर्चा की, 77 की चर्चा की. आडवाणी जी ने हमारे शासन के लिए 3 बातें कही. फर्स्ट, प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी. आवर गवर्नमेंट मस्ट हैव दीज 2 मंत्रास, सुचिता और सुरक्षा. ये बीजेपी की सरकारों का मंत्र होना चाहिए. हमारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, वो स्वागत योग्य है, कहीं कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारने की आवश्यकता है. उन्होंने ये भी बात कही और उन्होंने विशेष रूप से 3 क्षेत्रों को कहा कि इस दिशा में बहुत अधिक और हम काम करें. एट द लेवल ऑफ पीपल, एजुकेशन, हेल्थ एंड अंत्योदय. शिक्षा, स्वास्थ्य और अंत्योदय, इसके क्षेत्र में हमारी सरकारों का काम बहुत प्रामाणिक, प्रभावी और जनोपयोगी होना चाहिए. द स्टेट गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस इन एडिशन टू हैविंग द बेंचमार्क ऑफ प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी शुड ऑल्सो फोकस अपॉन 3 कोर एरियाज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड अंत्योदय, अंतिम आदमी का उदय. मित्रों, आडवाणी जी ने अपने भाषण में जो एक महत्वपूर्ण बात कही जो हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि देश के संघीय ढांचे पर तो हमला ये सरकार कर रही है, योजनाबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई भाजपा की सरकारों को अपदस्त करने की कोशिश की जा रही है और इसमें सीबीआई के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है. श्री आडवाणी जी सेड दैट अपार्ट फ्रॉम अनलिशिंग एन असॉल्ट ऑन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया द प्रेजेंट यूपीए गवर्नमेंट
इज सीकिंग टू डिस्टेबलाइज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बीजेपी गवर्नमेंट्स बाय रैंक अब्यूज ऑफ सीबीआई एंड ऑल्सो सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज. दिस इज नियरली कॉमन टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स इन वेरिंग मेजर बट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द केस ऑफ गुजरात. एंड वी विड रेसिस्ट इट वेरी वेरी इफेक्टिवली. संसद के अंदर, संसद के बाहर इसका हम पूरा विरोध करेंगे. इट अपियर्स देर इज अ कॉन्स्पिरेसी इन दिल्ली टू डिस्टेबलाइज. जिस तरह से चीजें चलती हैं इसकी चर्चा हमने कई बार की है. आडवाणी जी ने नीतिगत बात कही थी. हम इसका विरोध करेंगे. हमारी सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई है, अच्छा काम कर रही है, जनता का समर्थन है. हम बाई इलेक्शंस जीतते हैं, परफॉर्मेंस रेट हमारे अच्छे होते हैं. यहाँ हमारे कई चैनल खड़े हुए हैं. लेट मी नेम फोर इंस्टीट्यूशंस, मीडिया इंस्टीट्यूशंस, NDTV, CNN, IBN 7, CNN IBN, IBN 7 एंड इंडिया टुडे. ये देश के बेस्ट मुख्यमंत्रियों का चुनाव करते हैं. पिछले 5-6-7 साल में बीजेपी चीफ मिनिस्टर हैव ऑलवेज गॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस. इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, बेस्ट गवर्न स्टेट, प्राइमरी हेल्थ, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, इन्वायरमेंट, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो धूमल हो. इन काफी फंक्शनों में खुद जाता रहता हूँ, हमने देखा है. हमें कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का नाम बहुत कम सुनाई पड़ता है. कभी कभार शीला दीक्षित दिखाई पड़ जाती है, रेयरली. देयरफॉर ऑब्जेक्टिव सर्वे बाय इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस हैव रिपीटेडली शोन एज टू द एक्सलेंट परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स. इसलिए उनको डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश होगी तो हम उसका विरोध करेंगे. आज की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण थी. आडवाणी जी ने याद किया कि मैं बीजेपी में जनसंघ के समय से काम करता हूँ. 67 में एक बार जनसंघ के मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी SVD में, भोपाल में, जिसमें मैं था. और इतनी मीनिंगफुल डायलॉग बाय चीफ मिनिस्टर्स मैंने जनसंघ के इतिहास में कभी नहीं देखी है. ही वॉज वेरी हैप्पी. ही थैंक्ड ऑल द चीफ मिनिस्टर्स एंड द पार्टी प्रेसिडेंट फॉर दिस वंडरफुल एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी एंड द गवर्नमेंट. और हम लोग को भी बहुत कुछ जानने का अवसर मिला कि हमारी सरकारें क्या काम कर रही हैं. मित्रों, रेजोल्यूशन आपके सामने दे दिया जाएगा. अब आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइए.